हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूँ अभिषेक। हम लोग कॉस्मोस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी चार्ट संग्रह कक्षा 6 से 12 तक का वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ रहे थे, महेश कुमार वर्णवाल का। आज उसी के मॉडर्न हिस्ट्री का 4th क्लास है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजाराम मोहन राय को। राजाराम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। राजाराम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। राजाराम मोहन राय द्वारा कलकत्ता के में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष किए थे? 1828 में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। संवाद कौमुदी, जो बंगाल भाषा में की एक पत्रिका थी, मीरातुल अखबार, जो फारसी भाषा के संपादक थे, उसके संपादक कौन थे? राजाराम मोहन राय। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजाराम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? आत्मीय सभा का। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर ने के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? हिंदी राष्ट्रभाषा माना स्वामी दयानंद सरस्वती। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधाकांत देव ने। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? कलकत्ता में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद यानी शिकागो में कब भाग लिया था? वर्ष 1893 ईस्वी में। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या मार्गरेट नोवेल। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 में। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? अडियार, जो कि महाराष्ट्र में है। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? एनी बेसेंट के प्रयत्नों से सफलता मिली। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विलियन डेरोजियो। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वरचंद विद्यासागर की। वर्ष 1851 में नौरोजी फर्दोनजी दादा भाई नौरोजी एस एन बंगाली आर के कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदायशनान सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका रास्त गोफ्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई। ब्राह्मणों को की सर्वोच्चता की चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? बी रामास्वामी नायकर के द्वारा। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? विश्वदयाल साहब। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने।
संस्था, उसके संस्थापक और स्थापना वर्ष और कहाँ पर यह स्थापना किया गया था उसके बारे में पढ़ेंगे। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। इसकी स्थापना 1815 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक भी राजा राम मोहन राय हैं। इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने किया था 1829 ईस्वी में कलकत्ता में। तत्वबोधिनी समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। 1839 में इसकी स्थापना हुई और कलकत्ता में हुई। परमहंस मंडली के संस्थापक दादोबा पांडुरंग थे। यह 1849 ईस्वी में इसकी स्थापना बम्बई में किए थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र ने 1866 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। प्रार्थना समाज के स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बम्बई में किया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में किया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एच पी वालावात्स्की और हेनरी अलकांट ने 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया था। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने 1878 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना एम जी रानाडे ने 1867 ईस्वी में बम्बई में किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में बेलोर में किया था। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में बम्बई में किया था। पूना सेवा सदन की स्थापना रामाबाई रानाडे ने 1909 ईस्वी में पूना में किया था। सोशल सर्विस लीग एनएम जोशी के द्वारा 1911 में बम्बई में किया गया था। विमेंस इंडियन की स्थापना 1923 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। रहनुमाई मजदायशनान सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी फरदून जी और एचएस बंगाली के द्वारा 1851 ईस्वी में बम्बई में किया गया था। सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? गुरु राम सिंह कूका के द्वारा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई? गोपाल हरि देशमुख को। वर्ष 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सरला देवी चौधरानी के द्वारा। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? बंधुआ मजदूरी से। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंदराव पाटिल। पश्चिम भारत में प्रमुख समाज सुधारक डी के कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्रों में। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सर सैयद अहमद खान को। तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम नवजात कन्या हत्या कानून, उसमें गवर्नर जनरल जॉन शोर थे। वर्ष 1795 में इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई। बाल हत्या निरोधक कानून, इसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली थे। वर्ष 1804 ईस्वी में इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई। सती प्रथा निषेधक कानून, इसका गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। वर्ष 1829 ईस्वी में इसके द्वारा सती प्रथा पर कानून रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। वर्ष 1856 ईस्वी में इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। सम्मति आयु अधिनियम, इस समय गवर्नर जनरल लेस ड्राउन थे। वर्ष 1891 ईस्वी में 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई। शारदा एक्ट, इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। वर्ष 1929 में इस एक्ट के द्वारा बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 18 और 14 वर्ष निश्चित की गई। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड थे। वर्ष 1837 ईस्वी में इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था। दास प्रथा प्रतिबंध, इस समय जो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड
एलेनब्रो थे, जो 1843 ईस्वी में 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।